हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मई फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 अभी लॉन्च किया गया है। चलो समझते हैं न्यूज़ के अंदर क्या है। अटल इनोवेशन मिशन ने अभी लॉन्च किया द फर्स्ट फेज ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 का फर्स्ट फेज अभी अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है। अभी ये सेकेंड एडिशन का फर्स्ट फेज लॉन्च हो रहा है, तो फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज 1.0 कब लॉन्च हुआ था, 2018 के अंदर, फॉर द क्लेरियन कॉल टू ब्रिंग द इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज रिलेवेंट टू द पीपल। ओके, यस। अभी देखो, आपको ये दो लाइन के ऊपर से न्यूज़ के बारे में पता नहीं चला होगा, लेकिन ये दो लाइन के अंदर से आपको एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज वो कौन से मिशन के अंडर में काम करता है। अटल इनोवेशन मिशन, ये उसका सेकेंड एडिशन अभी लॉन्च किया गया है। तो उसका फर्स्ट एडिशन कौन से साल के अंदर लॉन्च किया गया था, 2018 के अंदर, राइट? इतना याद रहेगा। ओके, अभी हम बात करते हैं कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज एक्चुअली वो नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के अंडर में लॉन्च किया था, नीति आयोग के द्वारा। क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन कौन चलाता है, नीति आयोग, और अटल इनोवेशन मिशन के अंडर ही अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर। उसका एम क्या है, उसका एम है द प्रोग्राम एम्स टू सीक सिलेक्ट सपोर्ट एंड नर्चर द टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस दैट सॉल्व द सेक्टोरल चैलेंजेस ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस एंड द सोसाइटल रिलेवेंस। ये जो भी सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चलते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं आम जनता को, अगर कोई कंपनी के पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, राइट, तो उसके इनोवेशन को रिसर्च फेस से कॉमर्शलाइज करने का काम कौन करेगा, ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज। उसके अंदर उस कंपनी के उस इनोवेशन को, कि जो पब्लिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस इनोवेशन जो रिसर्च, उस कंपनी के पास रिसर्च है कि वो कैसे करना है वो उसको पता है, लेकिन कॉमर्शलाइज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट कौन करेगा, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, राइट? ओके, अटल न्यू इंडिया चैलेंज के लिए ये जो प्रोटोटाइप स्टेज के ऊपर मैंने जो बात की कि जो कंपनी जो जिसके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसके पास आइडिया का प्रोटोटाइप है, लेकिन उसके पास कॉमर्शलाइज करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो और उसके पास टेक्निकल सपोर्ट भी नहीं है, तो यहाँ पे अटल न्यू इंडिया चैलेंज के अंदर क्या होता है कि 12 से 18 महीने तक उसको टेक्निकल नॉलेज भी दिया जाता है, टेक्निकली सपोर्ट भी किया जाता है, राइट? ओके, यस। तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है वो पता चला। अटल न्यू इंडिया चैलेंज कि जो भी चैलेंज इंडिया फेस करती है उसका सॉल्यूशन अगर किसी के पास है तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट और टेक्निकली सपोर्ट प्रोवाइड करना। और यहाँ पे चैलेंज है ना, जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज 1.0 लॉन्च किया गया था तब चैलेंज गवर्नमेंट देती थी, अभी भी गवर्नमेंट ही देती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के सर्वे के अंदर पता चला कि गाँव के लोग या शहर के लोग इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या है कि उस प्रॉब्लम के बारे में चैलेंज लॉन्च करेगा कि जिसके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इनोवेशन है, वो अटल न्यू इंडिया चैलेंज के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो जो भी कंपनी उसके अंदर अप्लाई करेगी, जिसके पास भी उसका सॉल्यूशन होगा, उसका कोई प्रोटोटाइप होगा, तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज के अंदर उसको एक करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल सपोर्ट, मैंने बोला 12 से 18 महीने तक का टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? सेम चीज़ अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 में भी करने वाले हैं, सेम चीज़। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है कि गवर्नमेंट ने टोटल 18 चैलेंजेस को यहाँ पे लॉन्च किया है। उस 18 चैलेंज को जिसका भी पास सॉल्यूशन होगा वो इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेगा। आई थिंक आपको न्यूज़ के अंदर अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या है, उसका सेकंड एडिशन में क्या होने वाला है, फर्स्ट एडिशन में क्या हुआ, फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च किया गया था, वो सभी के बारे में पता चला होगा, राइट? ओके, और अभी के कौन से सेक्टर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, उस सेक्टर के अंदर यहाँ पे चैलेंज लॉन्च किए जाते हैं, राइट? कौन कौन से सेक्टर देखो, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग, एनर्जी, मोबिलिटी, स्पेस एप्लीकेशन। तो इस सेक्टर के अंदर जो भी चैलेंजेस होते हैं, गवर्नमेंट उसके उस चैलेंजेस का
कोहोर्ट लॉन्च करती है, उस चैलेंजेस को लॉन्च करती है कि इस चैलेंज का प्रॉब्लम जिसके पास है वो हमारे पास आ सकता है, हम उसको अटल न्यू ने चैलेंजेस के अंदर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, राइट। तो आई थिंक आपको न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है वो किसके अंदर में काम करती है, अटल इनोवेशन मिशन के अंदर में काम करता है। अटल इनोवेशन मिशन वो फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। अटल इनोवेशन मिशन गवर्नमेंट ने उसी पर्पज से लॉन्च किया था कि जो इनोवेशन हो और जो इंटरप्रेन्योरशिप जो करना चाहते हो उनको सपोर्ट किया जाए, राइट। और अटल इनोवेशन मिशन के अंदर मेजर इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है अटल टिंकरिंग लैब। आपको पता हो तो बहुत सारी स्कूल्स के अंदर एक अटल टिंकरिंग लैब एस्टेब्लिश की गई है। अटल टिंकरिंग लैब के जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रैक्टिकली अप्रोच सिखाया जाए, थियरी के लिए अप्रोच तो क्लास में सीखते ही, लेकिन प्रैक्टिकली अप्रोच उनको सिखाया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बारे में सिखाया जाए ताकि वो फ्यूचर रेडी हो। तो अटल टिंकरिंग लैब्स बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स, बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एस्टैब्लिश किए गए हैं, वो भी अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है। सेकंड, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर मतलब जो भी स्टार्टअप जो अपना नया बिजनेस रन करना चाहती है लेकिन उसको टेक्निकली और फाइनेंशियल सपोर्ट इसके अंदर में प्रोवाइड किया जाता है, राइट। मेंटर इंडिया कैंपेन, तो बहुत सारी जो मिशंस है बराबर उसके लिए एक मेंटर हायर करना ये एक मिशन का पार्ट है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर मतलब जो कम्युनिटी के लिए जो चीज़ जो प्रॉब्लम्स है, राइट, उसके उसके लिए जो इनोवेशन हो रहा है उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, राइट। अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर द स्मॉल एंटरप्राइज अराइज, अराइज का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर द स्मॉल एंटरप्राइज एमएसएमई के लिए जो भी रिसर्च है उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, राइट। तो ये अटल इनोवेशन मिशन के मेजर पार्ट है, तो उसी का एक पार्ट अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बारे में हमने अभी रिसेंट न्यूज़ में पढ़ा, ओके। तो आई थिंक आपको ये पूरी न्यूज़ के अंदर में समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। नेक्स्ट न्यूज़ का हेडिंग क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मई को। हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार 20th एडिशन अभी ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का लॉन्च किया गया। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन लॉन्च करती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस संस्था के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 20 साल से हर साल ये सेलिब्रेट की जाती है। सबसे पहला एडिशन कौन से साल के अंदर लॉन्च किया गया था, 2002 के अंदर, राइट। अभी इस बार प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब अलग अलग कंट्री के अंदर जो जर्नलिस्ट है उनको कितनी फ्रीडम दी जाती है, राइट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंट्रीज को रैंक दिया गया है, राइट। यहाँ पे स्कोरिंग हर एक कंट्री को दिया गया है 0 से 100 के बीच में, जो जिसका भी स्कोर 100 से नज़दीक होगा मतलब वहाँ पे जर्नलिस्ट को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है अपनी बातें रखने के लिए, और जिसका भी स्कोर 0 से नज़दीक होगा, राइट, कि वहाँ पे जर्नलिस्ट को कम फ्रीडम दी जाती है अपनी बातें रखने के लिए, राइट। तो अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से टोटल 180 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया। टोटल कितनी कंट्रीज़ का सर्वे किया गया, 180 कंट्रीज़ का, उसमें इंडिया का रैंक कौन सा आया है, 150 इंडिया का रैंक आया है, राइट, ओके ओके। और उसके बाद अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, नॉर्वे। मतलब नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको पूरी तरीके से फ्रीडम होती है अपनी बातें रखने के लिए, राइट। सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड नंबर पे स्वीडन, आपको ये टॉप 3 याद रखनी है। और सब जहाँ पे सबसे ख़राब हालत है जर्नलिस्ट की वहाँ वो देश कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वो बॉटम के ऊपर है, मतलब 180th कंट्री है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने लॉन्च किया है, राइट, ओके। और रशिया की बात करें तो रशिया का पोजिशन कौन सा है, 155। इंडिया का 150 है, रशिया का 155। इंडिया के नेबर कंट्रीज की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस नेपाल का है जिसने इस बार 30 पॉइंट्स ज़्यादा कमाए हैं और वो अभी 76th पोजीशन के ऊपर है। पाकिस्तान 157 पोजीशन के ऊपर है, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 एंड म्यांमार 176 पोजीशन के ऊपर है, चाइना 175th पोजीशन के ऊपर है। मतलब ये सभी
खराब क्राइटेरिया के अंदर है, जहाँ पे जर्नलिस्ट की हालत बहुत ही ख़राब है, इंडिया 150, लेकिन नेपाल ने बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। राइट, ओके। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लास्ट ईयर रैंक था, इंडिया का लास्ट ईयर रैंक था 142nd, और अभी किस कितना है 150 इन द 2022। राइट, इंडियाज पोजिशन हैज़ बीन कंसिस्टेंटली फॉलिंग इन द इंडेक्स। 2016 से इंडिया की पोजिशन कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है। 2016 के अंदर इंडिया की रैंक क्या थी, 133, और अभी कितनी है, 150। आपको लास्ट ईयर की याद रखनी है कि लास्ट ईयर इंडिया की रैंक कौन सी थी। ओके, यस। द रीजंस बिहाइंड फॉल इन द रैंकिंग इज अ इंक्रीज वायलेंस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट एंड अ पॉलिटिकली पार्टीजन मीडिया। यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या होता है कि हाँ, मीडिया को पॉलिटिकली डिवाइड किया गया है। कुछ जर्नलिस्ट, कुछ मीडिया मतलब बीजेपी के ओरिएंटेड ही बातें करेगी, कुछ मीडिया कांग्रेस के ओरिएंटेड ही बातें करेगी। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलना चाहता है तो फिर उसके ऊपर देशद्रोह का मतलब इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे इंडिया के अंदर। अभी रिसेंट टाइम के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है, ओके। तो ये सब जो रीज़न है कि इसकी वजह से इंडिया का रैंक ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर पीछे चला गया है। राइट, ओके। तो आई थिंक आपके इस न्यूज़ के अंदर से आपको मेनली आपको सभी कंट्रीज़ के रैंक ही याद रखने हैं, जो मेन मेन इंडिया के नेबर्स है, इंडिया के बारे में, इंडिया के लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बारे में। राइट, रशिया के बारे में एक बार पढ़ लेना, ओके। और बस ये जस्ट ये रैंक ही पढ़ना है आपको इस पूरी न्यूज़ के अंदर में, ओके। आई थिंक आपको न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी स्कीम। राइट, कि इस स्कीम के अंडर में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनको यूनिक डिसेबिलिटी आईडी दिया जाता है। तो अभी जो ये स्कीम कैरी करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने सभी स्टेट्स को बोला है कि आप ये जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड देने की बात है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, वो जल्दी से जल्दी दे दीजिए। राइट, ओके। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर देने की बात चल रही है, जो 75 डिस्ट्रिक्ट की जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है ना, उनको पहले देना है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड इस स्कीम के अंदर में। ये 75 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं कि जो अनसंग हीरोज थे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, वो जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, वो 75 डिस्ट्रिक्ट को पहले यहाँ पे पायलट बेसिस के ऊपर चुना गया है। राइट, ओके। तो ये जल्दी से जल्दी सभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को मिल जाए, इसके लिए द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक कैंपेन को लॉन्च किया है। एक 90 डेज़ का कैंपेन लॉन्च किया है, और इस कैंपेन का मेन एम क्या है कि 100% जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज ये 75 डिसेस के अंदर रह रहे हैं उनको ये यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड मिल जाए। और ये आईडी कार्ड मिलने के बाद क्या बेनिफिट होगा उनको, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो 17 सेंट्रल स्कीम्स हैं वो उनको इजीली उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। राइट, ओके। और उनको कोई जगह पे ये स्कीम के अंदर एनरोल करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वो जस्ट अपना आईडी दिखा सकते हैं और वो मतलब वहाँ से मालूम पड़ जाएगा कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है और उनको उस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो ये 17 स्कीम्स, जो 17 सेंट्रल स्कीम्स है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उसमें से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में अगर बात करें तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, क्रिएशन ऑफ द एक्सेसिबल एनवायरनमेंट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, असिस्टेंस टू द डिसेबल पर्सन फॉर द परचेज और फिटिंग ऑफ द एड्स एंड अप्लायंसेस, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, नेशनल फेलोशिप फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ये जो मैंने 17 सेंट्रल स्कीम्स के बारे में बात की है कि अगर जिसको आईडी कार्ड मिलेगा उसको 17 सेंट्रल स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा, उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट स्कीम है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। राइट, तो ये टोटल पहले 75 डिस्ट्रिक्ट के पर्सन विद डिसेबिलिटीज को ये आईडी कार्ड मिलेगा और उनको ये पायलट बेसिस के ऊपर ये बेनिफिट मिलेगा। राइट, ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का, लेकिन सभी को जल्दी से जल्दी आईडी कार्ड मिले उसके लिए कैंपेन किसने लॉन्च किया है 90 डेज़ के अंदर, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ओके। अभी मैं यूडीआईडी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड की बात करूँ, तो यूनिक आईडी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड विद द व्यू ऑफ क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड टू इश्यू ए यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड टू ईच पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड लॉन्च करने का मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि सभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज का डेटाबेस क्रिएट किया जाए और उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए।
राइट। द ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल द पीडब्ल्यूडीज टू ऑब्टेन द न्यू यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू अवेल द स्कीम्स एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इट्स वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड देयर डिपार्टमेंट्स। ये ऑब्जेक्टिव क्या है आईडी कार्ड देना, कि सभी पीडब्ल्यूडीज को उन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स उनके लिए लॉन्च की जाती है, जो भी बेनिफिट्स उनके लिए लॉन्च किए जाते हैं, उनका बेनिफिट मिले इजीली, राइट। ओके, और सिग्निफिकेंस ये यूडीआईडी कार्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द प्रोजेक्ट विल नॉट ओनली इंकरेज द ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ द डिलीवरिंग द गवर्नमेंट बेनिफिट्स टू द पर्सन विद द डिसेबिलिटीज बट ऑल्सो इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, राइट। कि जो यूडीआईडी कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करने का ये जो प्रोजेक्ट है वो जस्ट ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ द डिलीवरिंग द स्कीम्स इतना ही नहीं, वो यूनिफॉर्मिटी भी क्रिएट करेगा, राइट। द प्रोजेक्ट हैज बीन स्ट्रीमलाइनिंग द ट्रैकिंग ऑफ द फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द बेनिफिशरीज एट ऑल लेवल्स ऑफ द हायरार्की ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। कि ये आईडी कार्ड की मदद से हम क्या होगा कि जो बेनिफिशरीज का प्रोग्रेस कितना हुआ है स्कीम्स की वजह से, उसको आप ट्रैक कर पाएंगे हर एक लेवल के ऊपर, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ये सब उसके सिग्निफिकेंस है, यूडीआईडी क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको 90 डेज के अंदर सभी को 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी को मिल जाए उसके लिए कैंपेन लॉन्च किया है, राइट। वो सभी के बारे में आपको पता चल गया होगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली उन्नत भारत अभियान 2.0 जो 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसने 4 साल कंप्लीट किए हैं, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर में है। चलो अभी हम समझते हैं कि उन्नत भारत अभियान एक्चुअली क्या था। द उन्नत भारत अभियान 2.0 हैज़ कंप्लीटेड द 4 ईयर्स सिंस इट्स लॉन्च इन द ईयर 2018। उन्नत भारत अभियान 2.0 कब लॉन्च किया गया था, 2018 के अंदर। तो उन्नत भारत अभियान इसका फर्स्ट वर्जन कब लॉन्च किया गया था, 2014 के अंदर। उन्नत भारत अभियान ये स्कीम वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में काम करती है, दूसरी न्यूज़। ओके, और ये उन्नत भारत अभियान का मेन मोटिव क्या है, उसका मेन मोटिव है कि इट एम्स टू लिंक द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विद अ सेट ऑफ एटलीस्ट 5 विलेजेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि आपके एरिया के अंदर कोई एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, राइट, एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अगर मैं उन्नत भारत अभियान 1.0 की बात करूँ ना, उन्नत भारत अभियान 1.0 की बात करूँ ना, तो इसके अंदर क्या होता था कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी को उसके आसपास के 5 विलेजेस का नाम दिया जाता था। और ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये उनको क्या करना होता था, ये 5 विलेजेस के अंदर फ्रीक्वेंटली जाके सर्वे करना होता था। वहाँ पे जाके उन लोगों को वो आइडेंटिफाई करना था कि ये जो 5 विलेजेस के जो लोग हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनके जीवन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और फैकल्टीज और स्टूडेंट्स का काम क्या रहता था कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनका सॉल्यूशन लाना। मतलब हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को उसके आसपास के 5 विलेजेस को किसी न किसी तरीके से डेवलप करना है, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाकर, मतलब उनको डेवलप करना। ये चीज़ समझ में आई, ओके। और यही चीज़ उन्नत भारत अभियान 2.0 के अंदर में क्या किया गया, जैसे 1.0 के अंदर गवर्नमेंट आपको 5 विलेजेस का लिस्ट देती थी, 2.0 के अंदर क्या हुआ कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसको अपने आप खुद से जो भी आसपास के 5 विलेजेस के दूर के, राइट, लेकिन अपने आप 5 विलेज को सिलेक्ट करना है कि वो कौन से विलेज को डेवलप करना चाहती हैं। तो ये दोनों उन्नत भारत अभियान 1.0 और 2.0 का डिफरेंस है, राइट। ओके, तो लेकिन आपको पता चल गया उसका मेन मोटिव है कि एटलीस्ट 5 विलेज को डेवलप करना, राइट। ओके, और ये 2.0 एक्चुअली 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था और अभी उसके 4 साल कंप्लीट हुए हैं। 1.0 2014 के अंदर लॉन्च किया, ये पूरी स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, राइट। और उसका एम क्या है, 5 विलेज को एटलीस्ट डेवलप करना एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, राइट। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि उन्नत भारत अभियान 1.0 उसका जो मॉडल था वो इन्विटेशन मॉडल था। यहाँ पे जस्ट
जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहती है वो आ सकती है, गवर्नमेंट उसको 5 विलेज का लिस्ट देगी। लेकिन उन्नत भारत अभियान 2.0 उसका मॉडल कैसा है, चैलेंज मॉडल। यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस है उसको खुद से विलिंगली एटलीस्ट 5 विलेज को सिलेक्ट करना है और उसको डेवलप करना है, राइट। टोटल टोटल 748 इंस्टीट्यूशंस ये उन्नत भारत अभियान के अंदर में काम करती है, पार्टिसिपेट कर रही हैं। और उन्नत भारत अभियान फेज़ टू के अंदर में टोटल 605 इंस्टीट्यूशंस सिलेक्ट की गई हैं, उसमें से 313 वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं और 292 वो नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इतनी चीज़ें आपको उन्नत भारत अभियान की स्कीम के बारे में याद रखनी है, ओके। तो आई थिंक आपको न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ सर आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली इंडियन मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी लॉन्च किया नेस स्कीम इन उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी यह स्कीम क्या है उसके बारे में समझते हैं कि अभी रिसेंटली इंडियन मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड चेयरमैन है ऑफ डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन वीरेंद्र कुमार ने अभी लॉन्च किया डॉक्टर आम्बेडकर सेंटर ऑफ द एक्सेलेंस स्कीम। डेस का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर आम्बेडकर सेंटर ऑफ द एक्सेलेंस स्कीम, डेस स्कीम वो लॉन्च किया किसके द्वारा? मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और जो चेयरमैन भी है डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन के, उनके द्वारा। कौन है? वीरेंद्र कुमार। ये स्कीम लॉन्च किया गया है और स्कीम कहाँ से लॉन्च किया गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो यूपी के अंदर में है, यूपी के अंदर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, राइट। ये पूरी जो स्कीम है डिस स्कीम उसको रन कौन करवाता है? डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन, डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन। तो डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन जो एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में, उसने एमओयू साइन किया है इस स्कीम के लिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ? 31 यूनिवर्सिटीज़ के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की एक संस्था डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन ने ये डेस स्कीम को चलाने के लिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप किए हैं? 31 यूनिवर्सिटीज़ के साथ, राइट। ये एमओयू के अंदर क्या है कि डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन वो स्टार्ट करेगी डेस डॉक्टर आम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ये 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में। टोटल 31 यूनिवर्सिटीज़ जिसके साथ डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन ने पार्टनरशिप किया है, उस 31 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये डेस को एस्टेब्लिश किया जाएगा डॉक्टर आम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ये डेस क्या करेगा कि डेस आर बीइंग सेट अप टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज टू द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाई द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कि ये जो डॉक्टर आम्बेडकर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो 31 यूनिवर्सिटीज के अंदर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, उस सेंटर के अंदर क्या किया जाएगा कि जो एससी स्टूडेंट्स हैं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको यहाँ पे फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे हमने बात की कि डॉक्टर आम्बेडकर सेंटर ऑफ द एक्सेलेंस वो 31 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, वहाँ पे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, वो जो स्टूडेंट्स जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए हर एक 31 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टोटल 100 सीट्स अलोकेट की गई हैं कि जो डीएस के अंडर में अलोकेट की जाएगी। उसमें से 33% ऑफ द सीट्स वो जो एससी कास्ट की जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए अवेलेबल है, राइट। ये जो पूरा खर्चा उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाने का कौन करेगा? डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन, राइट। यहाँ पे 75,000 पर एनम पर स्टूडेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा हर एक सीट के लिए, मतलब पर स्टूडेंट पर एनम 75,000, मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर 100 सीट्स है तो एक यूनिवर्सिटी को कितना पैसा मिलेगा पर ईयर? लाइक 75 लाख पर ईयर। जो डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन ये 31 यूनिवर्सिटीज़ को पर ईयर पर यूनिवर्सिटी कितना देगा? 75 लाख, राइट, उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाने के लिए। उसके अलावा डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन डॉक्टर आम्बेडकर चेयर उस स्कीम को भी रन करवाता है इंडिया के अंदर। डॉक्टर आम्बेडकर चेयर क्या करवाती है कि उसने 24 डॉक्टर आम्बेडकर चेयर अक्रॉस द कंट्री एस्टेब्लिश कर दी है, मतलब 24 यूनिवर्सिटीज़ के साथ उसने पार्टनरशिप किया है। ये 24 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डॉक्टर आम्बेडकर चेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रही है। और ये डॉक्टर आम्बेडकर चेयर कब लॉन्च किया गया था? 1993 के अंदर, राइट। तो अभी रिसेंट उसके अंदर ये क्यों है कि डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन ने अभी रिवाइज किया है कि जो अमाउंट पहले
डॉक्टर आम्बेडकर चेयर को कितना दिया जाता था R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 35 लाख पर ईयर, वो अभी बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 75 लाख पर ईयर। तो ये दो रिसेंट न्यूज़ के अंदर जो न्यूज़ है डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन से रिलेटेड, कि डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन दो स्कीम रन करवाते हैं, एक तो डी स्कीम जहाँ पे फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवा जा रहा है, जहाँ पे 75 लाख पर यूनिवर्सिटी पर ईयर, यहाँ पे 100 सीट्स के लिए 75,000 पर स्टूडेंट पर ईयर के हिसाब से डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन के द्वारा इस स्कीम के लिए दिए जाते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर फाउंडेशन दूसरा स्कीम भी रन करवाते हैं 1993 से, डॉक्टर आम्बेडकर चेयर, और उसके लिए अभी तक वो 35 लाख प्रोवाइड करवाती थी 24 यूनिवर्सिटीज़ को, लेकिन अभी वो 75 लाख प्रोवाइड करवाएगी 24 यूनिवर्सिटीज़ को, जहाँ पे डॉक्टर आम्बेडकर चेयर्स हैं, कि जहाँ पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये पूरी न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया की जो पहली इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो इस तरीके से दिखता है कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है, जहाँ से एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है, वो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसका नाम है INS विक्रांत, जो अभी इंडियन नेवी को दिया जाएगा। उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो इंडिया का पहला इंडिजीनियस, जो इंडिया के द्वारा खुद से बनाया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, वो डिलीवर किया जाएगा इंडियन नेवी को कब, मई 2022 के अंदर, और उसको कमीशन कब किया जाएगा, उसको काम पे कब लगाया जाएगा, 15 अगस्त 2022 को। द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो किसके द्वारा बनाया गया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, राइट। और उसके अंदर जो एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई है, स्काई जम्प टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, स्काई जम्प को। टोटल ये पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ है, 23,000 करोड़। अगर हम उसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो उसकी लेंथ है 262 मीटर्स, उसकी वाइडनेस है वो कितना वाइड है, 62 मीटर्स, और उसकी हाइट कितनी है, 59 मीटर्स, राइट। एंड उसके ऊपर से आप कौन कौन से फाइटर जेट्स लॉन्च हो गए, तो MiG-29 के फाइटर जेट, KMO-31 हेलीकॉप्टर्स, और MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, ये फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ये एयरक्राफ्ट के ऊपर से लॉन्च हो गए। और उसके अलावा अगर आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ याद रखनी है, तो इंडिया के अंदर अभी कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन हो रहा है, मतलब अभी कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी चल रहा है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर तो अभी आएगा अगस्त के अंदर, राइट। लेकिन अभी कौन सा काम कर रहा है, तो अभी है INS विक्रमादित्य, विक्रम आदित्य, राइट। और ये INS विक्रमादित्य इंडिया ने खुद से नहीं बनाया, क्योंकि इंडिया ने खुद से जो बनाया वो एयरक्राफ्ट कैरियर तो पहला ही है INS विक्रम। तो INS विक्रमादित्य किसने बनाया है, रशिया के अंदर से हमने ये इंपोर्ट करवाया है, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वो किसने बनाया है, कितना खर्चा हो, उसके स्पेसिफिकेशन, और इंडिया के अंदर अभी कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है, विक्रमादित्य, और वो कहाँ से हम इम्पोर्ट करवाया है, रशिया से। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर से समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी जस्ट बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप 2022 वो हेल्ड हुआ था, कहाँ पे, मनीला फिलीपींस के अंदर। तो उसके क्या रिजल्ट्स आए, थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लें कि 2022 बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप की अगर बात करें, तो इंडिया की जो बैडमिंटन प्लेयर है PV सिंधु, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन सिंगल्स कैटेगरी के अंदर। और ये जो बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप है वो कौन सा एडिशन था 2022 का, 39th एडिशन, और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, मनीला फिलीपींस के अंदर, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, मनीला फिलीपींस के अंदर। और उसकी अगर हम एक हिस्ट्री की अगर बात करें कि ये बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप के अंदर इंडिया की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी ने अभी तक गोल्ड जीता है, और वो खिलाड़ी का नाम क्या है, दिनेश खन्ना, वो खिलाड़ी का नाम क्या है, दिनेश खन्ना, कि जो एकमात्र खिलाड़ी ने अभी तक बैडमिंटन एशिया चैम्पियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, दिनेश खन्ना करके 1965 में, राइट। और ये PV सिंधु जो बैडमिंटन प्लेयर है, उसने वुमेन सिंगल्स कैटेगरी के अंदर 39th एडिशन ऑफ 2022 जो अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो हुआ मनीला फिलीपींस के अंदर, वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, राइट।
और आपको ये टेबल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको एक बार पढ़ लेनी है कि यहाँ पे विनर मतलब गोल्ड मेडल किसने जीता मेन सिंगल कैटेगरी के अंदर, लीजी जिया, लीजी जिया वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मलेशिया से। उन्होंने किसको हराया, जोनाथन क्रिस्टिए को जो इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल की अगर हम बात करें तो वेंग जीही चाइना से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अकाने यामागुची जो जापान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो ये आपको मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स को तो याद ही रखना है, ऐसा नहीं जस्ट विनर्स का नाम याद रखना है, आपको रनर अप का भी नाम याद रखना है, क्योंकि आजकल पेपर को टफ करने के लिए ऐसी जो बड़ी इवेंट होती है उसमें रनर अप कौन बना वो पूछा जाता है, राइट? ओके, तो मेंस डबल्स और मेन वुमेन्स डबल्स के अंदर कौन कौन जीता वो भी एक बार जस्ट पढ़ लेना। मिक्स डबल्स क्या होते हैं कि एक वुमेन एक मेन उसके सामने एक वुमेन एक मेन, मतलब ये चार लोग में दो वुमेन दो दो मेन होते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं मिक्स डबल्स, राइट? आई थिंक आपको पता ही होगा, तो आपको इस न्यूज़ के अंदर से इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी उद्घाटन किया एक कॉन्फ्रेंस का, और कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है, प्रमोटिंग द किसान ड्रोन्स इश्यूज चैलेंजेस इन द वे फॉरवर्ड, राइट? ये कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, और एक कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है कि प्रोमोटिंग द किसान ड्रोन्स, उसके रिलेटेड जो इश्यूज है चैलेंजेस है और वे फॉरवर्ड, राइट? चलो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो कि अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने अभी उद्घाटन किया है एक कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रमोटिंग द किसान ड्रोन्स, उसके रिलेटेड जो इश्यूज चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, ये कॉन्फ्रेंस का नाम है, राइट? अभी यहाँ पे किसान ड्रोन्स क्या होते हैं, किसान ड्रोन को हमको प्रमोट तो करना है लेकिन किसान ड्रोन्स क्या होते हैं, देखो ड्रोन्स का बहुत सारे पर्पज़ से उसको यूज़ किया जाता है, कि कैमरे का पर्पज़ से और बहुत सारे पर्पज़ से उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन जो भी ड्रोन्स किसानों के लिए यूज़ होता है उनको बोलते हैं किसान ड्रोन्स, राइट? तो ये कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर कोई फार्मर हो, फार्मर्स को हेल्प करने वाले कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो, फिर फार्मर का कोई ग्रुप हो, राइट, कि फार्मर को कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाले, ड्रोन प्रोवाइड करने वाले कोई संस्था हो, ये सभी को ये किसान ड्रोन अगर परचेज करना है तो उनको कितना सब्सिडी मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे डिसाइड किया गया ये कॉन्फ्रेंस के दौरान। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या पूरी न्यूज़ का सार क्या है, राइट? ये कॉन्फ्रेंस के दौरान कि किसान ड्रोन्स सभी लोगों को कितने में पड़ेगा अगर वो परचेज करना चाहते हैं उसके बारे में बात की गई है, राइट? ओके, चलो उसके बारे में बात करते हैं कि कौन से लोगों को किस कितने रुपीस के अंदर ये किसान ड्रोन्स पड़ेगा, ठीक है? ओके, अभी अगर कोई फार्मर जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता हो, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हो, जो वुमेन फार्मर हो और फार्मर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता हो, तो उस फार्मर को अगर किसान ड्रोन परचेज करना है, राइट, किसान ड्रोन परचेज करना है तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 50%, और मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 5 लाख, राइट? ओके, अगर इस कैटेगरी में वो फार्मर नहीं आता और कोई अदर कैटेगरी के अंदर जो फार्मर है उसको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिलेगा, 40%, और मैक्सिमम कितना होगा उसमें से, 4 लाख, 40%, और लेकिन सीलिंग क्या रखा है, 4 लाख, राइट? अभी आप सोचो कि सर कि किसान ड्रोन्स का यूज़ क्या होता है, किसान ड्रोन का यूज़ क्या होता है कि वो क्रॉप असेसमेंट के लिए, फार्मर्स के पास वो कितना क्रॉप हर साल उगाते हैं उसका असेसमेंट करने के लिए उसका यूज़ हो सकता है, डिटेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, स्प्रेइंग ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर विच प्रोविजन हैज ऑल्सो बीन मेड इन द बजट। ओके, देखो अभी आपने एक स्वामित्व कार्ड के बारे में सुना होगा, स्वामित्व बहुत बार हमने न्यूज़ के अंदर एक किया है, स्वामित्व एक प्रॉपर्टी कार्ड होता है, सर्वे ऑफ द विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी ऑफ विलेज एरिया। एक उस ये स्वामित्व स्कीम के अंदर में क्या होता है कि हर एक किसान को एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाता है, क्या दिया जाता है, प्रॉपर्टी कार्ड। प्रॉपर्टी कार्ड किसका, कि किसान के पास कितनी लैंड है उसके हिसाब से उसको एक कार्ड दिया जाता है, कि उसके वो कार्ड के अंदर एक रिकॉर्ड रखा होता है कि उसके पास इतना इतनी इतनी लैंड है, तो क्या है कि
फ्यूचर में उसके ज़मीन के ऊपर कोई इलीगली कोई अपना कब्जा ना कर ले, राइट। तो ये प्रॉपर्टी कार्ड ये स्वामित्व स्कीम के अंडर में सभी किसान को दिया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी कार्ड देने के लिए पहले तो गवर्नमेंट को किसान के पास कितनी प्रॉपर्टी है उसका तो सर्वे करना पड़ेगा। तो ये किसान के पास कितनी प्रॉपर्टी, उसकी लैंड होल्डिंग कितनी है, वो सर्वे भी ड्रोन्स के द्वारा किया जाता है, वो सर्वे भी ड्रोन्स के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा ये सभी जो रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटाइजली रखने के लिए भी उसका यूज़ होता है, राइट। ओके, फिर आपको पता हो कि बहुत सारी जगह पे अभी ये प्रैक्टिस भी होती है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है कि जहाँ पे बहुत हिली एरिया है, वहाँ पे किसान फ्रीक्वेंटली अपने क्रॉप के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए या न्यूट्रिएंट स्प्रे करने के लिए नहीं जा सकते। तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है कि क्रॉप के ऊपर पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रेइंग किया जाता है वो ड्रोन के द्वारा किया जाता है, राइट। तो ड्रोन उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो ये जो भी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है लेकिन किसानों के लिए यूज़ होता है तो उसको बोलते हैं किसान ड्रोन। तो अगर आप किसान ड्रोन परचेस करना चाहते हो, और अगर अगर आप फार्मर हो, तो अगर इस कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट, और मैक्सिमम कितना, 5 लाख। और अगर आप अदर कैटेगरी के फार्मर हो तो आपको 40% डिस्काउंट, और मैक्सिमम कितना, 4 लाख मिलेगा। ये स्लाइड के अंदर से सब कुछ समझ में आ गया। ओके, कोई भी जगह पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि तो बहुत सारे बाइफरकेशंस हैं इस न्यूज़ के अंदर में। और अगर कोई ऐसी संस्था कि जो किसान ड्रोन्स इस परिपर्पज से खरीदना चाहती है कि वो किसानों को मदद कर सके, किसानों के लिए एक इनोवेटिव चीज़ें प्रोड्यूस कर सके, राइट। तो उस पर्पज़ के लिए अगर कोई संस्था, और कैसी संस्था, तो एक संस्था का भी यहाँ पे उन्होंने नाम दिया है कि कृषि विज्ञान केंद्र कोई है, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, राइट। तो जो किसानों के लिए कंटिन्यूसली रिसर्च इनोवेशंस करती रहती है, तो ऐसी संस्था को अगर किसान ड्रोन परचेस करना है कोई ना कोई रीजन से, तो उनको कितना सब्सिडी मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर कोई फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, FP हो, अगर वो किसान ड्रोन को परचेस करना चाहते हो तो उसको कितना सब्सिडी मिलेगा, 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन। अभी फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, FPOs क्या होती हैं? FPOs वो ग्रुप ऑफ द फार्मर्स के द्वारा जो छोटे छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, अगर ये छोटे छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो बहुत ही उनके जो खुद के जो क्रॉप है उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। अगर ये आपको पता होगा कि सभी फार्मर्स को अपनी जो प्रोड्यूस होती है उसको मंडीज के अंदर जाके फिर उसका मार्केटिंग करना पड़ता है, राइट। अभी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अगर ये अपने बहुत ही कम क्वांटिटी वाले क्रॉप को लेके ये मंडीज के अंदर जाएंगे तो उनके जो क्रॉप का जितना खर्चा नहीं होगा ना, उतना उससे ज़्यादा खर्चा तो ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या एक ग्रुप बना दिया कि जितने भी ऐसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो एक साथ मिलके छोटे छोटे ग्रुप एक साथ मिलके एक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। यहाँ पे सभी फार्मर्स अपने प्रोड्यूस जो जो भी उन्होंने क्रॉप उगा है वो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, फिर यहाँ से एक साथ में फिर ये क्रॉप को मंडीज तक पहुँचाया जाएगा। तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है ना वो भी पर हेड कम आता है। तो ऐसे फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस अगर कोई किसान ड्रोन परचेस करना चाहता है तो उसको कितना सब्सिडी मिलेगा, 75%। ओके, और अगर कोई कस्टम हायरिंग सेंटर, अगर कोई कस्टम हायरिंग सेंटर ये किसान ड्रोन को परचेस करना चाहता है तो उसको मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलेगा, 40%, और सीलिंग कितना है, 4 लाख का। अभी कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होते हैं, तो कि बहुत फार ज़्यादातर फार्मर्स क्या होते हैं कि किसान ड्रोन को परचेस करने की जितनी इनकी इनकम ही नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, ये कस्टम हायरिंग सेंटर के पास जाएंगे और जितनी भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ना उनके फार्मिंग के लिए वो इक्विपमेंट्स लीज के ऊपर लाएंगे। तो ये कस्टम हायरिंग सेंटर जो फार्मर्स को फार्मिंग के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो लीज के ऊपर देते हैं। तो अगर वो कस्टम हायरिंग सेंटर को ड्रोन की रिक्वायरमेंट है, किसान ड्रोन की, तो उनको कितने डिस्काउंट मिला जाएगा, 40%, मैक्सिमम 4 लाख का। और ये कस्टम हायरिंग सेंटर अगर कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर चलाता है, अगर कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट चलाता है, तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, 50% ऑफ द कोर्स, और मैक्सिमम कितना, 5 लाख। तो आई थिंक आपको न्यूज़ के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से फार्मर्स को
SC ST कैटेगरी वाले को और अदर कैटेगरी वाले को कितना मिलेगा डिस्काउंट किसान ड्रोन के ऊपर, कोई संस्था को अगर ड्रोन किसान ड्रोन चाहिए तो कितना मिलेगा डिस्काउंट, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को कितना चाहिएगा कितना मिलेगा डिस्काउंट, और ये कस्टम हायरिंग सेंटर को कितना डिस्काउंट मिलेगा अगर वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के द्वारा रन करवाते हैं या तो फिर नॉन एग्रीकल्चर ऑफिसर के द्वारा रन होता है तो उनको कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिसाइड किया गया है। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। ओके नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी एक लॉन्च किया है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और उसका नाम क्या है, ONDC, टू ऑन बोर्ड लोकल किराना स्टोर्स। जो लोकल किराना स्टोर्स है वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऑनलाइन सेल कर सके, इसलिए उनके लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, ONDC, राइट। चलो हम उसके बारे में डिटेल में अगर बात करें तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रोल आउट किया एक पायलट प्रोजेक्ट के ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स, जो ONDC का फुल फॉर्म है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो ओपन सोर्स है, एक न्यूट्रल है। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब अगर आप अमेजोन के ऊपर, अगर आप पेटीएम के ऊपर, अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी चीज़ें सेल करना चाहते हो तो आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंट उसको देना पड़ता है, उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, राइट। लेकिन ये ONDC जो गवर्नमेंट का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको अपनी चीज़ें सेल करने के लिए अपने प्रॉफिट में से हिस्सा उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो अभी ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, कोयम्बटूर और शिलोंग के अंदर पायलट बेसिस के ऊपर स्टार्ट किया गया है, मतलब ट्रायल बेसिस के ऊपर इस सिटीज़ के अंदर ही स्टार्ट किया गया है। मतलब इस सिटीज़ के जो किराना स्टोर्स वाले हैं वो अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन तो बेचेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर पाएंगे, राइट। उसके अलावा 150 जो रिटेलर्स एंड सेलर्स है कि जो ऑलरेडी दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, कोयम्बटूर और शिलोंग के अंदर एक लोकल जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कनेक्ट हुए हैं, जो प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, गो फ्रूगल, ग्रोथ फैलकॉन्स, डिजिट एंड ई समुदाय, ये जो लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, कोयम्बटूर एंड शिलोंग के, तो इस लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी किस कहाँ कनेक्ट किया जाएगा, ONDC के साथ, राइट। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई बायर ने कुछ चीज़ परचेस किया तो जो लॉजिस्टिक काम है वो काम कौन कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी, गुड बॉक्स, पेमेंट का काम कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी, फोनपे एंड पेटीएम। और ये जो ONDC जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है अभी तो पायलट बेसिस के ऊपर दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, कोयम्बटूर और शिलोंग के अंदर ही स्टार्ट किया गया, लेकिन 6 महीने के अंदर ये 100 सिटीज़ के अंदर स्टार्ट होगा और टोटल 30 मिलियन सेलर्स इसके अंदर एनरोल हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। यस ओके इंडिया के अगर ई कॉमर्स बिजनेस की अगर बात करें तो वो ग्रो होगा और कितना पहुंचेगा, $200 बिलियन कब तक, 2026 तक, राइट। ये जो ONDC जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके अंदर टोटल 20 एंटिटीज़ ने पार्टनरशिप मतलब कंट्रीब्यूशन किया है टोटल 255 करोड़ का, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया वो आपको जस्ट याद रखना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द पंजाब नेशनल बैंक, दोनों ने 25 करोड़ ईच यहाँ पे पैसा को इन्वेस्ट किया है ONDC को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो बस आपको जो सबसे ज़्यादा किसने किया वही आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली थर्ड राउंड ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर 2021 का ऑफ क्वार्टरली इम्प्लॉयमेंट सर्वे अभी रिलीज़ किया गया, तो हम उसके बारे में अगर बात करें कि अभी रिसेंटली थर्ड क्वार्टर के लिए क्वार्टरली इम्प्लॉयमेंट सर्वे अभी लॉन्च किया गया फॉर द पीरियड ऑफ द अक्टूबर टू दिसंबर, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड इम्प्लॉयमेंट सर्वे। और ये जो इम्प्लॉयमेंट सर्वे कौन करता है, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड इम्प्लॉयमेंट सर्वे कौन करता है इंडिया के अंदर, लेबर ब्यूरो करती है। और लेबर ब्यूरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इम्प्लॉयमेंट के अंडर में। तो सबसे हेडलाइन के अंदर ही दो क्वेश्चन बन गए कि ये जो क्वार्टरली इम्प्लॉयमेंट सर्वे है जो पार्ट है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड इम्प्लॉयमेंट सर्वे का, ये सर्वे कौन करता है, लेबर ब्यूरो, और लेबर ब्यूरो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में, राइट। अभी ये रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट एक्चुअली क्वार्टरली इम्प्लॉयमेंट सर्वे अक्टूबर टू दिसंबर 2021 के पीरियड का है,
तो इस रिपोर्ट के अनुसार कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर जो इम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुआ है 4 लाख से जो 3.14 करोड़ हो गया है, मतलब फॉर्मल सेक्टर के अंदर इम्प्लॉयमेंट कितना हो गया है 3.14 करोड़, राइट, अक्टूबर दिसंबर 2021 के अंदर, जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कितना था 3.10 करोड़, और उससे प्रीवियस क्वार्टर के अंदर कितना था 3.08 करोड़। यहाँ पर मतलब कितने सेक्टर का सर्वे किया गया है, 9 सेक्टर का सर्वे किया गया है, और वो 9 सेक्टर कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट्स, आईटी बीपीओस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको ये 9 सेक्टर्स को भी याद रखना है कि लेबर ब्यूरो जब ये इम्प्लॉयमेंट सर्वे लॉन्च करता है तब कौन से 9 सेक्टर्स, आपको ये 9 सेक्टर के बारे में नहीं कि नीचे में से कौन सा सेक्टर को कंसिडर नहीं करता, तो ये 9 सेक्टर में से 4 ऑप्शन के अंदर तो 4 सेक्टर हो गए, लेकिन पांचवा सेक्टर ऐसा होगा कि ये 9 सेक्टर के अंदर से नहीं होगा, राइट। तो ये डीप क्वेश्चन आ सकता है इस न्यूज़ के अंदर से। ओके, ये सर्वे के अंदर जो यूनिट्स को कंसिडर किया गया है, जिसका सर्वे सर्वे किया गया है, वो जो कंपनीज हैं वो कंपनीज 2013-14 के बाद की कोई भी कंपनी को यहाँ पे सर्वे नहीं किया गया है, मतलब सभी पुरानी कंपनीज का ही यहाँ पे सर्वे किया गया है, राइट। और उसके अलावा कौन सी कंपनी का सर्वे किया गया है, एक तो मैंने बात किया कि जो 2013-14 के बाद जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई है उसका सर्वे नहीं किया गया, उसके अंदर इम्प्लॉयमेंट का सर्वे नहीं किया गया है, उसके अलावा जो भी कंपनी के अंदर 10 से ज़्यादा काम वर्कर्स काम करते उसका सर्वे किया गया है, ऐसे टोटल कितने यूनिट्स का सर्वे किया गया है, 10,834 यूनिट्स का सर्वे किया गया है। और उस सर्वे के अंदर मालूम पड़ा कि जो फीमेल वर्कर्स हैं वो जो प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 32.1% थी, और अभी इस क्वार्टर के अंदर कितनी है, उन कितने फीमेल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला है 31.6%, राइट। और उसके अंदर एक दूसरा डाटा भी निकला कि कौन सा सेक्टर जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। टोटल 39% ऑफ द जो एस्टिमेटेड टोटल वर्क फोर्स है जो यूनिफॉर्म जो फार्मा सेक्टर के अंदर काम कर रहा है उसमें 39% ऑफ द वर्क फोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में काम करते हैं, राइट, मतलब वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कौन से सेक्टर के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर 34.87% ऑफ द यूनिट्स जो हेल्थ सेक्टर के हैं वहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, राइट। टोटल ये जो क्वार्टर की बात करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021, टोटल 9 सेक्टर के अंदर कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई, 1.85 लाख वैकेंसीज, और रेगुलर वर्कर्स मेड अप 85.3% ऑफ द वर्कफोर्स, मतलब वर्कफोर्स के अंदर दो टाइप के वर्कर्स होते हैं, एक तो कंपनी वर्कर मतलब रेगुलर वर्कर और एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, तो टोटल 85.3% ऑफ द वर्कफोर्स वो रेगुलर वर्कफोर्स है, और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितने हैं 8.9%, वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये इम्प्लॉयमेंट सर्वे कौन करता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में होता है, वो किसका पार्ट है, और कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्प्लॉयर है, कौन सा सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, राइट, और कौन सी कंपनीज को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है इम्प्लॉयमेंट सर्वे के लिए, वो सभी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली आरबीआई बोर्ड ने अप्रूव किया है कि नॉमिनेशन ऑफ द डॉक्टर राजीव रंजन एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। अभी आपको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, कितने 6, उसमें से 3 है ना 1, 2 और 3 वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर मतलब क्या कि जो आरबीआई से ही बिलोंग करते हैं, आरबीआई से ही बिलोंग करते हैं, और बाकी के 3, 4, 5 और 6 नंबर के जो मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई से बिलोंग नहीं करते हैं, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं, उसमें से एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने हैं 3, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर के जो मेंबर्स होते हैं जो चेयरमैन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, राइट। सेकेंड नंबर पे जो मेंबर होते हैं वो भी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर जो आरबीआई से बिलोंग करते हैं वो होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, और डेप्यूटी गवर्नर कौन है आरबीआई के अंदर, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी मेंबर है तो डेप्यूटी गवर्नर है माइकल पात्रा, माइकल पात्रा। और थर्ड नंबर पे जो मेंबर थे एक्स ऑफिशियो मेंबर इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो अभी तक कौन थे, मृदुल सागर, और अभी कौन है क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं मृदुल सागर, तो उनकी जगह पे अभी
डॉक्टर राजीव रंजन एज अ एक्स ऑफिसो मेंबर वो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर बनने वाले हैं अभी से, राइट। डॉक्टर राजीव रंजन की अगर हम बात करें तो आरबीआई के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड द पॉलिसी रिसर्च के हेड भी हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 मेंबर कौन कौन से हैं आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर उसके बारे में बात किया है। शक्तिकांत दास, डॉक्टर माइकल पात्रा जो मैंने आपको बोला डेप्यूटी गवर्नर है, और राजीव रंजन, ये 3 एक्स ऑफिसो मेंबर बन गए। प्रोफेसर असीमा गोयल जो प्रोफेसर हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, राइट। प्रोफेसर जयंत वर्मा जो प्रोफेसर है आईआईएम अहमदाबाद के, डॉक्टर शशांक भिड़े जो सीनियर एडवाइज़र है नेशनल काउंसिल ऑफ द अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के। तो ये टोटल 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर होते हैं जो हर 2 महीने के ऊपर बैठती है और रेपो रेट वगैरह डिसाइड करती है, राइट। ओके, तो उसके अंदर अभी एक चेंज किया गया है, एक्स ऑफिसर मेंबर पहले मधुल सागर थे, अभी राजीव रंजन को अपॉइंट किया गया है। तो आई थिंक आपको न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि वर्ल्ड फूड प्राइस 2022 के बारे में। वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन अनाउंस द नेम ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइस लोरेट 2022 कौन है, डॉक्टर सिंथिया रोजेंसविक ऑफ द यूएस। यूएस के डॉक्टर सिंथिया को इस साल वर्ल्ड फूड प्राइस 2022 ये अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा, वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन के द्वारा, राइट। ये अवार्ड उनको क्यों मिला, फॉर हर रिसर्च टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट एंड द फूड सिस्टम। क्लाइमेट और फूड सिस्टम के बीच में रिलेशन क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। 2022 का इनको अवार्ड मिला सिंथिया जो यूएस से बिलोंग करते हैं, वो आपको याद रखना है। 2021 का किसको मिला था कि जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर शकुंतला उनको ये अवार्ड मिला था, और 2020 के अंदर इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को ये अवार्ड मिला था। 2020 के अंदर किसको मिला था, 2021 के अंदर किसको मिला और 2022 के अंदर किसको मिला, वो आपको याद रखना है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो एक इंटरनेशनल ऑनर है जो रिकोगनाइज करता है द अचीवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स के हु हैव एडवांस द ह्यूमन डेवलपमेंट बाई इम्प्रूविंग द क्वालिटी क्वान्टिटी और अवेबिलिटी ऑफ द फूड इन द वर्ल्ड। कि ऐसे पर्सन को, ऐसे इंडिविजुअल को ये अवार्ड मिलता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिलता है कि जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी क्वान्टिटी और अवेबिलिटी ऑफ द फूड इन द वर्ल्ड के ऊपर काम किया है, राइट। तो ऐसे लोग को ये अवार्ड मिलता है। कौन कौन से फील्ड को कवर किया गया है, तो यहाँ पे प्लांट एनिमल्स, एनिमल एंड सॉइल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, ये सभी फील्ड को यहाँ पे कवर किया गया इस प्राइस के अंदर में, राइट। एलिजिबिलिटी क्या है, तो इट इज़ ओपन टू एनी इंडिविजुअल विदाउट रिगार्ड टू द रेस, रिलीजन, नेशनलिटी एंड द पोलिटिकल बिलीव्स। वहाँ पे कैश प्राइस कितना मिलता है, 2.5 लाख US डॉलर कैश प्राइस मिलता है, और उसके अलावा एक लोरेट को है ना एक स्कल्पचर भी मिलता है जिसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया जाता है, सोल बास के द्वारा, राइट। और ये अवार्ड जो जिसको मिलता है वो कब मिलता है, यूएन वर्ल्ड फूड डे जब सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 अक्टूबर को, उसी दिन के ऊपर ये अवार्ड जो नॉमिनीज को मिला होता है, जो डिक्लेयर किया गया, फॉर एग्जाम्पल अभी डिक्लेरेशन अभी किया गया कि इस व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन अवार्ड मिलेगा कब, तो यूएन वर्ल्ड फूड डे जब सेलिब्रेट किया जाएगा 16 अक्टूबर को, तब ये अवार्ड दिया जाता है, राइट। एंड वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन की अगर बात करें तो वो कहाँ पे आया है, तो डेस मोइनिस यूएसए के अंदर में है, राइट। 1986 से ये प्राइस दिया जाता है, और इस प्राइस को नोबेल प्राइस फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। और इंडिया की अगर हम बात करें, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द फादर ऑफ द इंडिया ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड इन 1987। ये अवार्ड को क्रिएट किया गया था 1986 के अंदर, और जी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फादर हैं वो फर्स्ट रेसिपिएंट थे 1987 के अंदर इस अवार्ड के। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि वो इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आपको इस कैटेगरी के अंदर, इस न्यूज़ के अंदर इतनी चीज़ें याद रखनी है। आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर में समझ में आया होगा। ओके, चल नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि MPLED स्कीम के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिवाइज किया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के रूल्स को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPLED स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। उसकी स्कीम के जो रूल्स है उसके अंदर अभी कुछ रिवाइजमेंट किया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा।
सबसे पहले रिवाइज क्या हुआ है उसको समझने से पहले ये स्कीम क्या है अब उसके बारे में समझते हैं। इस स्कीम के अंडर में हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हर एक एमपीस को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो जिसके लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं राइट, तो उनको डेवलप करने के लिए पर ईयर 5 करोड़ रुपया इस फंड के अंदर में मिलता है। और हर एक एमपी का ये फंड होता है उसका नाम क्या होता है, एमपी एलईडी फंड, हर एक एमपी का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 करोड़ रुपया हर साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के अंदर में, हर एक एमपी के ये फंड के अंदर में ये 5 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उनको अपने कंस्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। और ये 5 करोड़ रुपया अगर आपने यूज़ नहीं किया तो ये दूसरे साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा, ये उसकी खासियत है इस फंड के अंदर की राइट। ओके, तो अभी रिसेंट न्यूज़ के अंदर क्या आया कि ये जो 5 करोड़ रुपया ये फंड के अंदर हर एक एमपी को प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता था ना, अभी ये फंड एमपी अपने जेब में तो नहीं लेके घूमेगा, वो कोई बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाएगा और वहाँ पे ये पैसा को जमा करेगा, तो उस पैसे के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है ना पूरे साल के अंदर राइट, तो उस इंटरेस्ट को भी अभी तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी क्या करते थे, उस इंटरेस्ट को भी अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए लगा देते थे। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके अंदर चेंजेस किया है कि आपको ये 5 करोड़ रुपया जो मिल रहा है और आप ये फंड के अंदर जो डिपॉजिट कर रहे हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो इंटरेस्ट अभी आप यूज़ नहीं करोगे, वो इंटरेस्ट अभी कहाँ पे जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर वो इंटरेस्ट जाएगा। अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो एस्टेब्लिश किया गया है इंडिया के अंदर आर्टिकल 266(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया के अंदर राइट। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो सीएफआई ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी रिसिप्ट्स, मतलब इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम एंड अदर रिसिप्ट्स फॉलिंग टू द गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यूज, जितनी भी रिसिप्ट्स गवर्नमेंट पूरे साल के अंदर जितनी भी रिसिप्ट्स कैरी करती है, रिसिप्ट मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम होती है वो कहाँ पे डिपॉजिट होती है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर राइट। और जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है वो कहाँ से करता है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर से राइट। तो अभी मिनिस्टर फाइनेंस ने क्या रिवाइज किया कि जो इंटरेस्ट मिलता है आपको ये एमपी एलईडी स्कीम के अंदर में, वो इंटरेस्ट अभी आप यूज़ नहीं कर सकते, वो इंटरेस्ट को अभी आपको ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जमा करवाना पड़ेगा राइट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर बना है, वो क्या है एक्चुअली, गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट का अकाउंट है जहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम वहाँ पे डिपॉजिट होती है और उसी में से गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर निकालता है राइट। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा राइट। ओके, एमपी एलईडी स्कीम के अगर बारे में अगर मैं फर्दर बात करूँ कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब पूरी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड की गई है, टोटल ये 1993 के अंदर ये एस्टेब्लिश की गई थी ये स्कीम को। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने एरिया को डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाता है 5 करोड़ रुपया, और ये पैसा 5 करोड़ रुपये एक साथ नहीं दिया जाता, ये ढाई ढाई करोड़ के दो इंस्टॉलमेंट के अंदर, इतने ढाई ढाई करोड़ के दो इंस्टॉलमेंट के अंदर ये पैसा दिया जाता है राइट। और इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करूँ तो प्रोसेस अंडर द ये जो स्कीम है वो स्टार्ट्स विद द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो रिकमेंड करेंगे, वर्क्स टू नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी राइट। फिर नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या करेगी, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द एलिजिबल वर्क्स विच इज रिकमेंडेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्क्स एग्जीक्यूटेड एंड अमाउंट स्पेंड अंडर द स्कीम। देखो इसमें क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जस्ट रिकमेंड करता है कि भाई हमको ये एरिया के अंदर काम करवाना है, ये रिकमेंड किसको करता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ना उसको वो रिकमेंड करता है कि भाई ये काम करवाना है, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फिर इम्प्लीमेंट करवाती है वो काम राइट। ये जो पैसा होता है 5 करोड़ रुपया, ये 5 करोड़ रुपया वो उसका जो देख रेख कौन करती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं राइट। और उस क्योंकि अल्टीमेटली वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो भी प्रोजेक्ट को रिकमेंड किया डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कि भाई मेरे एरिया के अंदर ये काम करवाना है, वो काम कौन करवाएगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो
पैसा कौन खर्च करेगा? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ना, राइट? तो पैसे का मेंटेनेंस कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करती है, राइट? ये मेकेनिज्म समझ में आ रहा है। लेकिन पैसा मिलता है किसको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वही रिकमेंड करेगा कि भाई ये काम करवाना है, वो काम करवाना है। सही, ये मैंने पूरा किस तरीके से पूरी स्कीम फंक्शन होती है, राइट? कि ईच ईयर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को 2.5 करोड़ रुपये के दो इंस्टॉलमेंट के अंदर टोटल 5 करोड़ रुपीज़ मिलते हैं। और अगर हम ये स्कीम के फंक्शनिंग की बात करें कि वो किस तरीके फंक्शन होता है, तो यहाँ पे देखो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा कि कहाँ पे वर्क करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको इम्प्लीमेंट करेगा, अमाउंट को सेंक्शन करेगा कि इतना अमाउंट यहाँ पे जाना चाहिए, राइट? और ये पूरी जो पॉलिसी है वो किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 करोड़ रुपये एनुअली प्रोवाइड किया जाता है एमपीज़ को, 2.5 करोड़ के दो इंस्टॉलमेंट के अंदर, राइट? और यस, ये पूरी स्कीम के बारे में आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? तो अभी जस्ट रिसेंट न्यूज़ इतनी है कि जो इंटरेस्ट मिलता था वो पहले यूज़ करते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लेकिन वो अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जमा करवाना है। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो आई थिंक आपको आज की पूरी न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।